हेलो गाइस, वेलकम टू सेम गेमिंग कस्टम मैच 4K एंड टुडे वी हैव 22 प्लेयर्स 78 प्लेयर्स एंड 22 टीम्स सॉरी देन प्लेन पाथ हमारा बस लीड करेगा प्लेन को एंड प्लेन पाथ जाता हुआ हमारा कैंपो मिलतार की ओर से मोंटोनियोवो की ओर देन टीम्स अपने ड्रॉप ले चुकी हैं। टीम नाग हमें कैंपो मिलिटार की ओर देखने को मिल रही है। टीम क्लो ने तोरी अहमदा की ओर ड्रॉप लिया है। टीम भी जाती हुई एल आजार वाटर ट्रीटमेंट टीम वैनम जाते हुए दिखेगी कि नहीं आज देखते हैं अपने मैन ड्रॉप एंड टीम सोस जो कि सैन मार्टिन जाते हुए दिखेगी हमें। टीम सोस के साथ टीम भी ने ड्रॉप चेंज किया अपना वो भी सैन मार्टिन नजर आती थी लेकिन आज एल आजहार गई है टीम सोस। देन टीम होफ एंड टीम सिटी आर बी उन्हीं के साथ जंप अप किए हैं जो कि वो भी सैन मार्टिन में नजर आने वाली हैं। टीम वैनम सोलो ऐसी टीम जो वाटर ट्रीटमेंट में जाती है उनके आसपास कोई टीम नहीं वहाँ पे कन्फाइड उनसे लेने की यहाँ पे जल्दी करेगी टीम पर। टीम भांगी क्लैन जो हमारी काफ़ी इस बार खेली है कल का मैच खेली थी टॉप टू में आई थी देन आ जाती हुई हमारी दूसरा मैच मेरा अमर का खेलने के लिए उसने थोड़ा अपना ड्रॉप प्लेन से दूर लेना चाहेगी। टीम होप ला वेंडिटा की ओर गई है देन टीम एमटी की टीम जंक यार्ड और टीम एमटी के साथ ही टीम टूलिट की भी वहाँ पर मौजूद है। जैक्सन यस काक्रोता जे आर एंड स्वांकी बोंग चारों प्लेयर्स के साथ टीम एमटी के प्लेयर्स ड्रॉप ले चुके हैं नीचे की ओर। मोंटोनियोवो में हमारी टीम माफिया टीम टीडब्ल्यू टीम रेड क्रॉस टीम कैप्ट चार टीम जाती हुई हमारी पूरा एक मोंटोनियोवो के एरिया में तो यहाँ गन फाइट्स एंड गन की किल्लत बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। टीम टीडब्ल्यू पिछले कैप्ट के लुफी को मिलती हुई गन लुफी करते हुए एक प्लेयर को डाउन टीम माफिया का प्लेयर हो चुका है डाउन S686 से उसको फिनिश भी करते हुए एक गेम रिलोडिंग करते हुए अपनी एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले अभी तक मिलता हुआ ऊपर की ओर जाते हुए टीम माफिया का एक प्लेयर डाउन अगेन एक और दो प्लेयर डाउन कर दिए कैप्ट लुफी 1v3 अभी तक कर चुका है ये प्लेयर। टीम माफिया के प्लेयर्स यहां से बिल्कुल भी उनके फुटप्रिंट नहीं सुन सके देन उसके चलते कैप्ट लुफी ने यहां पे पूरा का पूरा फायदा उठाया। अब टीम माफिया का एक ही प्लेयर बचता है जिसका नाम है कसाब जिसके पास गन नहीं ये कसाब अकेला बचता हुआ है प्रतिस्पर्धी यानी टीम भांगी क्लैन एक पहली फाइट लेता हुआ प्रतिस्पर्धी को स्टॉर्म इटाची ने नॉक एंड फिनिश ऑफ दे दिया है। स्टॉर्म इटाची सोलो प्लेयर टीम स्टॉर्म के लिए काफी दिनों बाद ये प्लेयर भी हमें खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ इटाची के पास एक और टीम उनका प्लेयर था टीम भांगी का मियां अर्थ सेक्सी वडबू वहाँ से निकल जा चुका है। टीम कैप्ट ने वो टीम माफिया का जो नेक्स्ट कॉन्कोर को डाउन किया था उसको भी फिनिश ऑफ करता हुआ वो प्लेयर माफिया का साहब सोलो बचाया। अभी भी इसके पास गन UMP 45 मिल चुकी है। फिलहाल टीम TW से फाइट इंगेज कर सकती है टीम रेड क्रॉस टीम कैप्ट की फाइट ऑलरेडी एक हो चुकी है तो देन वो अभी लूट पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। टीम TW वहाँ से फॉल बैक करती नज़र आ रही है हमें जी हाँ बिल्कुल टीम TW उस वहाँ से फॉल बैक कर जा चुकी है। टीम CHB हमारी एक टीम गई है कुमाकीरा में टीम CHB लूट कर रही है। टीम रेज के प्लेयर्स यहाँ पे लेड्रिला एंड कुमाकीरा के बीच के जो कंपाउंड्स हैं उनको लूट कर रही है एंड टीम ओपी टीम एरर पिकार्डो एंड टीम ओपी लोसनियस आज हमारा पूरा इतना बड़ा एरिया इतनी बड़ी लूट बिल्कुल कोई टीम नहीं गई वहाँ पे हमें नज़र ही नहीं आई वहाँ पे कोई टीम नहीं लूटती हुई। टीम TW अभी यहाँ से रोटेशन डाल रही है अपनी एक फाइट टीम रेड क्रॉस ने एंगेज कर लिया टीम कैप्ट के प्लेयर से कैप टीम इधर से नबील ने शायद ये बादशाह ने नॉकआउट दिया है वो या नबील ने कैप्ट के एक प्लेयर सॉरी बादशाह ने कैप्ट के चार्ली को डाउन कर दिया है। लुफी के पास अभी भी एक है अपने प्लेयर को रिवाइव देने का ट्राई जरूर करेगा लुफी जी हाँ वो रिवाइव के लिए जाता हुआ लेकिन यहाँ पर रिवाइव नहीं होने देना चाहेगी टीम रेड क्रॉस। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर डील करते हैं वो यहाँ पर डील किया है उन्होंने मोलोटोल से देन वो मोलोटोल के चलते इधर चार्ली डाउन रहेंगे एंड लुफी भी डाउन हो जाएंगे। ये एक UTV के एक अच्छे यहाँ पे मोलोटोल देन स्टॉप पिकाचू जो स्पोर्ट्स पिकाचू एक प्लेयर बचा था उसने नबील को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया है जी हाँ नबील को नॉक एंड फिनिश ऑफ करके ले गए हैं लेकिन उनके दो बाकी के प्लेयर्स उनको फिनिश ऑफ करके 3 kills टीम स्पोर्ट्स के टीम स्टफ के उठा चुके हैं। देन टीम भांगी एक और फाइट हमारी इंगेज कर रही है जिसने स्टॉर्म इटाची जो सोलो था उसको फिनिश ऑफ कर दिया है। टीम सोस की फाइट होती हुई टीम CTR के टीम से टीम CTR के मैग्नस मॉकी को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया है पर्थ के द्वारा। कब्रो ओपी के पास अभी तक गन नहीं है अनबिलीवेबल इतना टाइम हो गया गन्स को लूटते हुए तेरों के बाद उन्होंने डेंटा बर्लिन आते हुए पूरा ओपन में एग्री का स्प्रे उन पर पड़ता हुआ
अजीत की एक MCTR का ब्रू ओपी को वन टैप इस पर से इधर डाउन करते हुए एंड फिनिश ऑफ भी करना चाहते थे बट वहाँ पर फिनिश ऑफ नहीं करेंगे एंड उनका कवर मिलता हुआ वल्लिन की ओर से थोड़ा सा और गबरू ओपी को रिवाइव अप दिया जा रहा है। डोरू थोड़ा क्लोजिंग करने की बिल्कुल डोरू एंड एग्री इधर जा चुके हैं क्लोजिंग करने के लिए, एग्री के सामने थे इधर बर्लिन स्पोर्ट किया देन एग्री ने फिनिश ऑफ किया, पीछे से नॉक किया था वो अजीत ने एंड पर्थ ने भी इधर गबरू ओपी को डाउन कर दिया है। पर्थ खुद नॉक जरूर होंगे फिनिश ऑफ करने की यहाँ पर एक देख रही थी टीम CDR के प्लेयर, लेकिन वो एक ओपी कवर मिलता हुआ एग्री एंड डोरू की ओर से पर्थ को आज बहुत ज़्यादा लो किया गया था। अभी भी यहाँ पर्थ थोड़ा जब तक ये टीम यहाँ पर एक अलग ही लेवल रहता है टीम सोर्स का मिरामर में, लेकिन टीम CTR का एक अच्छा ट्राई था बट एक ही प्लेयर नॉकआउट कर पाए थे सोस का, टीम सोस का एक प्लेयर CTR ने नॉक किया था देन टीम CDR का भी सैन मार्टिन ड्रॉप रहता है एंड सोस का तो ये पर्सनल ड्रॉप है ही हमारा। टीम होफ ला रेंदिता में डो मैन स्क्वायर के साथ खेली, एसेशियन एंड ईविल आए आज खेलने के लिए, माफिया का साहब जो वहाँ पर सोलो प्लेयर बचा हुआ था वो फाइट इंगेज करता हुआ पीछे फोर बैक करके गया था, टीम RR की ओर से फाइट हुई है, टीम RR के वैनम को डाउन किया इस प्लेयर ने, टीम RR के वैनम अभी भी नॉकआउट पड़ा हुआ है अपने प्लेयर के थोड़े करीब जाने के, टॉक्सिस को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन कर रखा है कसाब की AKM क्या टॉक्सिस को भी डाउन कर देगी, वैनम को फिनिश ऑफ करने के लिए जा रहे हैं वो टॉक्सिस बहुत ही ज़्यादा 10 HP के अंदर ही वो UMP 45 से अपने प्लेयर को बहुत अच्छा कवर दे चुके हैं, एक अच्छा मौका था कसाब के पास अगर वो एक और नॉकआउट दे देते तो शायद दोनों किल्स ले जाते क्योंकि लिट ओपी एंड एम्परर काफ़ी दूर थे उनसे जो अब आए हैं वापस, देन टॉक्सिस ने एक अच्छी तरीके से ये हैंडल करते हुए ये सिचुएशन एक किलो उनके पास हो चुका है। टीम मेजर भी सैन मार्टिन के पास वाले यहाँ पे पावर ग्रिड लूट कर एक हिल पे आके बैठ चुकी है, मेजर की टीम भी बहुत अच्छा मिरामार का इनका गेम प्ले रहता है। 18 टीम 64 प्लेयर्स अलाइव हैं हमारे, लाख ओवरिया हमें टीम नंबर 21 लूट हुई दिख रही है, दो ही प्लेयर्स हैं उनके पास, टीम किलो तोरे अहमदा की ओर गई थी, उन्होंने एक फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है उस फ्लेयर ड्रॉप में इधर से गन्स पिक कर ली हैं उन्होंने देन अब वो व्हीकल्स में हैं तो हमें ज़्यादा यहाँ पर पहचान नहीं होगी उनके पास कौन सी गन है, लेवल 3 के किट भी काफ़ी प्लेयर्स के पास यहाँ पर मौजूद है, हंक आई थिंक हंक की या बाबा ने पिक कर रखी है, जी नहीं बाबा ने भी नहीं कर रखी तो शायद हंकी के पास है इधर ड्रॉप की गन क्योंकि लेवल 3 किट पूरी उन्हीं के पास है, लेवल 3 गेयर MT की टीम ने जो टीम BB के पास ड्रॉप लिया था एल आजार में वो लूट कर रही है अभी उधर, डैन टीम 2 लेट की टीम बहुत एरिया एक एज ऑफ द जोन खेलती हुई नज़र आती ही है मगर देन वो एज ऑफ द जोन ही है, टीम वैनम भी अब थोड़ा थोड़ा रख रख क्लोज इन कर रही है, जो क्लोज इन हो रहा है वो सैन मार्टिन की ओर हो रहा है क्योंकि सैन मार्टिन की ओर जाती है टीम सोस। टीम नाग के प्लेयर्स ने एक दो यहाँ पे शॉट्स लेने का ट्राई किया था, टीम नाग के प्लेयर्स बिल्कुल एंड ऑफ द मिरामार लूट करते हुए जहाँ पे मिरामार का एंड होता है हमारे मैप का उसकी सरहदों पे ये लूट चल रही है टीम नाग के प्लेयर्स की, इस सरहद के पार कोई नहीं जा सकता, जी हाँ काफ़ी ऊँची ऊँची दीवार है ये चीन की दीवार की तरह की दीवार, ये टीम मेजर की हमाद इधर डाउन कर चुके हैं सोस के डोरू को, सोले का भी इस पर जाता है वो बट रेड डोट से है तो यहाँ ज़्यादा डैमेज ना दे लेकिन यहाँ पे मेजर हमाद M4 with 4X काफ़ी अच्छी चलाता है, डोरू को काफ़ी लो किया गया था वन डे स्प्रे से देन हमाद ने जो नोक दिया था डोरू को रिवाइव दिया जा रहा है, पर्थ उनको रिवाइव दे रहे हैं एक सही कवर में, पर्थ उनको रिवाइव दे रहे हैं, अजीत के पास है SKS वो चलाते हुए एक DMR का इस्तेमाल होता है वहाँ पे, मेरा अमर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है SKS SLR एंड मिनी 14 DMRs का, लेट्स सी क्या रहता है यहाँ पे, एग्री अभी भी स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा एक कवर देने की अच्छी कोशिश चल रही है उनकी, लेकिन मेजर के प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे ऊपर की हिल पे बैठे हुए हैं, अमान एंड जैद हमाद भी जी हाँ बिल्कुल एक हिल वाले ही एरिया में आई है मैं समझा नीचे जंप अप कर गए हैं देन वो एक हिल ही के एरिया में सैन मार्टिन के ऊपर वाली बिल्डिंग्स में अभी भी अपना यहाँ पे होल्ड करे हुए हैं, उनके पास एक दो व्हीकल है उनके पास बिल्कुल एक बग्गी एक कार के साथ है टीम मेजर, टीम सोस पूरा नीचे की ओर है पीछे से टीम वैनम जो आ रही थी हमें जल्दी उनका क्लोज इन भी इधर थोड़ा देखने को मिलेगा, वैनम सेजी अभी भी लूट करते हुए आ रहे हैं का 98 भी डिस्कारल है उनके पास, वैनम हंटर के पास अभी तक MK 14 एंड UMP 45, वैनम 7 के पास भी AKM M16 4A 3 प्लेयर्स इनका फोर्थ प्लेयर्स आई डोंट नो वेयर जी वो काफ़ी दूर है अभी एल क्यू प्लेयर जिसके पास एक अच्छी लूट उसके पास भी VSS है इधर
या ए ड्रॉप नंबर टू जो कि हमारा नॉर्मल ड्रॉप है, नॉर्मल ड्रॉप नंबर वन बोलूंगा, ए आती है ग्रोजा विद 60 MO टैक्टिल स्टॉक आता हुआ एंड मिलिट्री वेस्ट लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट एंड बैकपैक के साथ। एलक्यू प्लेयर टीम वैनम का ये प्लेयर इसको पिकअप कर सकता है अगर वो चाहे तो, टीम बी भी उसकी ओर भी जा रही है। एम सी साइन ने रेज के टाइसन को व्हीकल को डिस्ट्रॉय करके डैमेज कर दिया है। टीम रेज फाइट लेते हुए रेज के गोड ने यूएस स्टार को डाउन किया, रेज के गोड भी डाउन हो चुके हैं, टाइसन ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। सोनो एंड हिटमैन किस तरीके से डील करते हैं, बिल्कुल वो जैसे मैंने बोला उसी तरीके से हिटमैन एंड सोनो ने डील कर दी वो सिचुएशन। हिटमैन ने लिया मिस्टर साहिल का लास्ट किल, देन इसी के साथ एक टीम यहाँ पर फिनिश ऑफ होते हुए टीम रेड क्रॉस, टीम रेड क्रॉस की शायद यहाँ पर जाते हुए बाय रेज की टीम। एक प्लेयर उन्होंने अपना टाइसन खोया है, देन गोड को इजी रिवाइव अब देंगे वो टीम रेज चारों ही थ्री प्लेयर्स के साथ। अब आगे थ्री किल्स लेके जाएगी टीम फोनिक्स जो थ्री मैन स्क्वाड के साथ खेले जाए, रोपी होला एंड स्काई वॉकर, देन वो वहाँ पे एक क्लोजिंग करती हुई दिख रही है हमें। अगर उन्होंने सपोर्ट किए हैं तो, देन नहीं किए हैं तो एक अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे एक फाइट उनकी बनेगी। इधर से ए ड्रॉप नंबर थ्री जो कि हमारा ये भी नॉर्मल ड्रॉप है, ये हमारा मशीन गन विल लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट एंड बैक पैक के साथ ए टैक्स देकर जाएगा। पिकार्डो के काफ़ी करीब टीम ओपी इसको पिक करती नजर आ सकती है क्योंकि टीम ओपी के काफ़ी करीब है ये। जोन हमारा कट चुका है, जोन नंबर सेकंड बन चुका है हमारा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा एरिया जंक यार्ड, पिकार्डो सैन मार्टिन काफ़ी फेयर करने वाला है पिकार्डो एंड जंक यार्ड का एरिया को ये आगे चलता हुआ जोन। टीम टीडब्ल्यू अभी भी जोन का डैमेज ले रही है, काफ़ी टाइम से लूट की है, जल्दी जोन में रोटेशन डालेगी। टीम रेस से एक फाइटिंग एज कर चुकी है टीम फोन एक्स, 3v3 फाइट, यहाँ पर नंबर एडवांटेज दोनों ही टीम्स का इक्वल रहने वाला है। रेज हिटमैन एक रिजिस का सहारा बहुत ज़्यादा रहता है मेरा अमर के मैप में, हमें घर से ज़्यादा रिज के सहारे से खेलती हैं टीम्स क्योंकि घर तो रिज से ज़्यादा ओपन एरिया में होते हैं घर, क्योंकि घर में हमें दद दरवाजे नज़र आते हैं, इससे बेहतर रिज ही प्रेफर करते हैं सारे टीम्स। रेज के प्लेयर्स इधर स्मोक बॉल बनाकर एक रिज पे जाने की ट्राई करेगा आई थिंक, या हिटमैन वहाँ से वापस आकर फॉल बैक करेगा। जी हाँ बिल्कुल, हिटमैन वहाँ से फॉल बैक करते हुए एक स्मोक बॉल बनाई गई है उनके लिए, हिटमैन के लिए, देन वो जोन में जाना चाहेंगे क्योंकि टीम फोनिक्स की टीम जो है वो जोन के अंदर बैठी हुई है रिजों पर, तो एक उनके पास एडवांटेज था जो कि डिसएडवांटेज टीम रेज के पास था। टीम टीडब्ल्यू जो उधर से रोटेशन डालती हुई आ रही है, फोनिक्स के जहर ओपी उधर स्पोर्ट कर चुके हैं उन्हें, टीडब्ल्यू के प्रिंस ओपी ही एंड निंजा ओपी दो प्लेयर्स आ रहे हैं इनके साथ। निंजा ओपी के ऊपर ये स्प्रे पड़ता हुआ, उनकी व्हीकल थोड़ा दूसरी तरफ टर्न लिया, निंजा ओपी सोलो है, देन टीम रेज इनके ऊपर स्प्रे डाउन करेगी, बहुत ज़्यादा इनकी व्हीकल डैमेज कर दी गई है। व्हीकल चेंज करने के लिए आई थिंक आगे उन्हें दिख चुकी होगी शायद, अगर वहाँ पर कोई जी नहीं कार अलग ही कार थी वो। क्लो के एक्सपर्ट मियाँ और सेक्सी को डाउन करता हुआ टीम क्लो अपनी फाइट एक इंगेज करती हुई टीम क्लो की ओर चलते हैं, जिसने मियाँ सेक्सी को फिनिश ऑफ भी कर दिया है। टीम भांगी का एक और प्लेयर इधर नो कैन फिनिश ऑफ होता हुआ टीम क्लो के एक्सपर्ट को मिलता हुआ उनका पहला किल। या टीम क्लो के हंग के पास ये पूरा एयर ड्रॉप का सामान मशीन गन एंड AWM बहुत ज़्यादा अच्छी लूट हंग के पास फिलहाल रही है। नैन टीम भांगी किस तरीके से डील कर दी है, लव एंड एडे नंबर जो फॉल बैक कर चुके हैं उस फाइट से वो भी आ चुके हैं सैन मार्टिन के एरिए में। एज ऑफ द सैन मार्टिन टीम आर कैंपर मेजर के हमाद को डाउन करते हुए टीम मेजर की ये फाइटिंग एज होती है हमारी ऊपर की जानब, टीम जहाँ पर मेजर मौजूद थी वहाँ पे हम टीम एरर आ चुकी है, हमाद को नोक एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया है। लेट्स सी वहाँ पर तीन बाकी के तीन प्लेयर्स टीम मेजर के किस तरीके से डील करते हैं सिचुएशन, अभी भी उन्हीं कंपाउंड्स में वेट करे हुए हैं, होल्ड करे बैठे हैं। टीम आर के दो प्लेयर्स वैनम एंड टॉक्सिस पीछे एक रिच के सहारे से खेलते हुए लिटोपियन एम्परर वाय कवर ऑफ एक बिल्डिंग का कवर लेकर, डैन टीम सोर्स नीचे की और पूरा नीचे से क्रिस्टल करने की कोशिश करेगी, बट वहाँ से इतना ज़्यादा स्पोर्ट नहीं होगा टीम सोर्स को। मेजर के जैद इधर लेते हुए एक फाइट, मेजर के जैद का स्प्रे जाता हुआ आर के टॉक्सिस को डाउन कर चुके हैं वो मेजर जैद, देन टीम मेजर के जैद थोड़ा स्पोर्ट हो रहे थे उधर, देन उनको आर के एम्परर ने थोड़ा डैमेज दिया, एक ग्रेनेड आता हुआ एम्परर का दो प्लेयर्स को लेकर जाता हुआ स्वाले एंड जैद, पूरा स्पोर्ट थे थोड़ा देखना चाहिए था उन्हें, एक यहाँ से स्कैम हो चुका है उनके पास एंड अमान भी आगे पुशिंग के लिए जा चुके हैं।
जो कि ऑलरेडी स्पॉटेड है 2x चलाते हुए बैरल के साथ। देन टीम मेजर फिनिश ऑफ होते हुए एक इजी वे में टीम आर का एम्परर ओपी गेम प्लेस प्लेयर का तीन किल्स उठाए उसने टीम आर एम मेजर के विदाउट एनी डाउन। यहां पे नॉकआउट दे चुकी है, पूरा टीम को फिनिश ऑफ दे चुकी है। टीम बी भी पीछे से आई थिंक रोटेशन में पकड़ी जा सकती थी, लेकिन टीम बी भी वहाँ पर रोटेशन इतना ही डाला जितना वहाँ से वो आगे दुख ना पहुँचे उन्हें उस रोटेशन से। जी हाँ, एग्रेजिस की कवर से रुकी हुई है टीम फोनिक्स के, होला ने डाउन कर दिया है रेस के गोट को। टीम रेस के प्लेस ने एक रोटेशन डाल के एक जोन का एरिया तो जरूर होल्ड कर रहा था रेस के गोट। सोनू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो हैं, सोनू ट्राई कर रहे हैं रिवाइव देने की विदाउट हील करे। जी हाँ, अभी भी ट्राई नहीं कर रहे हील करने की, पहले हील कर लें तो बेहतर होगा रेस के सोनू के लिए। एक हिल पर जाते हुए टीम फोनिक्स के प्लेयर्स, ये सोनू के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था जो कि हो चुका है मुश्किल। काफ़ी लेट लगा टाइम लगा दिया यहाँ पे हिटमैन, अब सोलो प्लेयर पूरा ओपन में है ये, क्या देखते हैं कब तक यहाँ से बचता है फोनिक्स के स्प्रे से। टीम फोनिक्स के प्लेयर लगातार स्प्रे दे रहे हैं, वन बहुत ज़्यादा लो 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 एंड इधर फिनिश ऑफ देखने को मिल सकता था। लास्ट टाइम पे एक ओपी कवर मिलता है हिटमैन को, हमें मिरामर में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है हिटमैन के साथ ज़्यादा होता है, या तो जोन का डैमेज मिलता है और लास्ट एच पी बचता है या एक रिजिस के सहारे बच जाता है हिटमैन। फिलहाल सोलो सर्वाइवल अपनी टीम के लिए बचा है यहाँ पे, सोनू को रिवाइव देना इतना आसान नहीं होगा। पर मित्री कंडीशन पुशिन आ चुका है, जहर ओपी एंड ओला आ चुके हैं, जहर ओपी को सामना पर स्पोर्ट करेगा, एक एम लेकर जा चुका है, लेकिन यहाँ से ओला उसको फिनिश ऑफ करेगा अपनी एस के एस से। अनबिलीवेबल क्लोज इन में एस के एस फोनिक्स का ओला अलग ही गेम प्ले, रिलोडिंग पे थी उसकी M4। देन टीम यहाँ पर रोज का खत्म होता हुआ 16 पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए टीम फोनिक्स हमारी आती हुई विथ 3 किल्स, एक ओपी किल्स टीम फोनिक्स की। 15 टीम 52 प्लेयर्स, हमारा जोन नंबर 2 पूरा क्लियर हो चुका है, 3 जोन हमें जल्दी ही देखने को मिला, हमें थर्ड जोन मोस्टली टीम आज हमारी नंबर एडवांटेज उनके पास 4-4 गई है। टीम वैनम के प्लेयर्स जो सैजी एंड साध हैं वो रोटेशन डाल रहे हैं, टीम क्लॉक के काफ़ी करीब से एक स्प्रे आ सकता है उधर। जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले स्प्रे आता टीम वैनम के प्लेयर्स ऑलरेडी उन्हें सपोर्ट कर चुके हैं उधर। टीम्स को टीम क्लॉक के हंक के चलते हुए AWM विद 6x वैनम के प्लेयर्स के ऊपर एक शॉट लेने का ट्राई किया था, देन उनको कोई शॉट कनेक्ट नहीं हुआ है। वैनम के सैजी को एक और शॉट कनेक्ट करने की सोच, बढ़िया सैजी को लड़ाई में नहीं पड़ा, लेकिन किलो के हंग को पड़ता हुआ वैनम सैजी का 98 का फटका। जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छी स्नाइपिंग देखने को मिलती है, एक अच्छी असोल्टिंग देखने को मिलती है वैनम के सैजी की ओर से। इधर स्कोप पिक करते हुए अपने टीम मेट से वैनम सैजी, हंटर के पास UMP 45 है लॉन्ग रेंज के लिए, देन LQ प्लेयर के पास है M416 एंड M164 है, वैनम साथ के पास भी M4 काफ़ी अच्छे इस्तेमाल करना जानते हैं ये चारों ही प्लेयर्स M4 का। देन टीम MT के प्लेयर्स टीम नाक के ट्रैफिक को डाउन कर चुके हैं, बटोस्की को पूरी टीम खा गया है, बटोस्की MT का बटोस्की पूरे टीम को खा गया है। एक ही व्हीकल के साथ अगर यहाँ पर रोटेशन डालोगे तो बीच में टीम्स के रोटेशन डलते टाइम ऑफ गार्ड पकड़ेंगी, देन एक दुख पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी टीम एक व्हीकल से जा सकती है। वही गलती यहाँ पे करती हुई टीम नाग एंड टीम नाग की चारों ही पेटी हमें दिख रही है, एक ही जगह पर चारों पेटी बनी हुई है, देन पूरे चारों एक ही कार के पहिए की तरह ये चारों पेटी नजर आ रही है। टीम MT के बटोस्की को मिले हैं ये किल, डैमेज तो सबका जाता है, लास्ट गोली जिसकी लग जाए उसको ही किल समय देखने को मिलते हैं। देन एयरड्रॉप नंबर 5 ओम विद लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करती है ये ओम, अगर ये पिक कर ले कोई प्लेयर यहाँ से ग्रोजा है लेवल एयरड्रॉप 4 में तो ये टीम बी भी पिक कर सकती है, हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर टीम बी भी। फिलहाल एक इंटेंस फाइट जो हमारी टीम क्लो वर्सेज टीम वैनम चल रही है, उससे उसके अलावा भी एक फाइट हमारी टीम आरआर वर्सेज टीम बी भी चल रही है, जो कि दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीब थी। टीम आरआर के प्लेस ने M24 का फटका दिया था एक बी वी के डेविल को, डैन टीम सोच से एक फाइट इंगेज कर चुकी है नीचे की ओर टीम टीम भांगी की, देन एडी नंबर 1 को डाउन कर दिया गया है। लव उनसे काफ़ी दूर है तो यहाँ पे सोच का एक प्लेयर जरूर डाउन किया था उन्होंने, वर्ड वो रिवाइव हो जाएगा अब अजीत एंड टीम भांगी के प्लेयर्स 2 प्लेयर्स थे इतने स्प्लिट में खेले दोनों ही प्लेयर्स तो उसका कामयाबी भुगतना पड़ा अपोनेंट में टीम सोच थी तो थोड़ा यहाँ पे एक अच्छा काम हो सकता था टीम भांगी के लिए अगर वो दोनों ही साथ प्लेयर्स खेलते तो जैसे कि एक डाउन हुआ था उसके बाद एक एडवांटेज मिल जाता उन्हें 2v3 का देन वो नहीं देखने को मिला। फिलहाल टीम भांगी से 16 टीम 47 प्लेयर्स हमारे पास थे किलो के हंग के इस बार AWM का फटका एल्को क्लियर को देंगे एंड टीम क्लो यहाँ से थोड़ा क्लोजिंग किया यहाँ से एक फ्लैंक की ओर जाने वाली है यहाँ किलो के बाबा ऑलरेडी फ्लैंक करके जा चुके हैं
अपने यहाँ पे मिराडो लेकर एंड टीम वैनम के प्लेयर्स आप पीछे से सपोर्ट होंगे। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट किया है। वैनम के सैजी को थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि लेफ्ट साइड के खिलों के बाबा जा चुके हैं। वैनम के सैजी यहाँ पे अपने आप को बूस्टर करते हुए एक रिच के सहारे से अभी यहाँ पे एक फिलहाल मौजूद वैनम सैजी खिलों के बाबा पूरा ओपन में आ चुके हैं। इधर एम फोर विद फोर एक्स के स्प्रे में जरूर देखने को मिलेंगे वैनम सैजी के, वो बिल्कुल डाउन होंगे। एक्सपर्ट भी जाते हुए ये भी सैजी के स्प्रे में पूरा ओपन में नजर आने वाले हमें, तो सैजी की तरफ से क्या ही भी नॉकआउट देखने मिले। सैजी डाउन हो सकते हैं यहाँ पे, एक्सपर्ट का स्प्रे यहाँ पे जाता हुआ, एम फोर का उनका भी स्प्रे, क्या कवर मिलेगा यहाँ टीम वैनम की ओर से? बिल्कुल यहाँ पे कवर मिला उनकी टीम ने नहीं, लेकिन टीम एम टी ने आके कवर दे दिया। एक्सपर्ट को डाउन कर लिया पीछे से थर्ड पार्टी, पूरा के थर्ड पार्टी यहाँ पे डिटेक्स ने निकाला वो नोक। एक्सपर्ट का फिनिश वो भी निकाल सकते हैं टीम वैनम के प्लेयर सैजी को, एक थोड़ा यहाँ पे एक अच्छा कवर दिया टीम एम टी के प्लेयर्स ने, वो डाउन हो चुके हैं। हंटर इजी रिवाइव दे सकते हैं उन्हें। जी हाँ, टीम एम टी के डिटेक्ट लोग एक्सपर्ट को जो नोक किया था फिनिश ऑफ करते हुए, बाबा ओपन में नोक पड़ा हुआ है पीछे से टीम वैनम। इधर साध एन एल्को प्लेयर हंग के ऊपर पूरा प्रेशर बनाए हुए है। देन टीम क्लो का एक लाइन पीछे की ओर आ चुका है तो उस पर और ध्यान बनाए हुए टीम क्लो ने एक पूरा यहाँ पे जाल बनाया हुआ था सर्किल के अंदर, ले लिया था टीम वैनम को, लेकिन ये जाल उनका तोड़ते हुए टीम एम टी की वजह से ये जाल हमारा टूटा है। टीम एम टी के प्लेयर्स वहाँ से जोन के लिए निकलते हुए टीम वैनम के प्लेयर्स भी जल्दी ये फाइट क्लियर करके जोन के लिए जाना चाहेंगे। देन क्लाइन एंड हंक दोनों ही बचे हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ हंक का AWM का शॉट खा सकते हैं अगर एल के प्लेयर्स अगर उनका ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान बनाए हुए थे। टीम आर के प्लेयर्स बीबी के ड्रैकला को डाउन कर चुके हैं। ये एक ग्रेनेड आता हुआ ओपी ग्रेनेड बाय वैनम साध, वो डाउन करता हुआ क्लाइन को। हंक अब अकेला बचता है ओम एंड मशीन गन के साथ। टीम एरर ने एक और फाइट, हमारी एक अच्छी फाइट टीम बीबी के प्लेयर्स के ऊपर निकाल दी है। इस बार किल्स लेके जाएगा टॉक्सिस, 3 किल्स टॉक्सिस ने उठाए हैं, एक किल इधर एरर वैनम ने उठाया है। देन टीम अरन 9 किल्स निकाल चुकी है, ओपी किल्स निकाले हैं टीम अरन ने अभी तक के। हमारे जोन बन चुका है हमारा जोन नंबर 5, जल्दी क्लोजिंग देखने को मिलेगा। टीम सोस के ऊपर स्प्रे डाउन होता हुआ टीम एरर के प्लेयर्स का, यहाँ पे एक ड्रॉप लूट करने के लिए रुकी थी टीम सोस के प्लेयर्स। सोस के डोरू नहीं, यहाँ पे अजीत पर्थ रुके हुए थे, पर्थ को नोक एंड पर्थ सीधा फिनिश ऑफ होते हुए व्हीकल डस्टो की वजह से। देन अजीत बचे हुए हैं अकेले, डोरू एंड एग्री के सगे डील करते हैं टीम सोस। मेरामर में हमें एक अच्छा गेम प्ले की उम्मीद रहती ही है जब भी सोस यहाँ पे आती हुई है, मेरामर का मैप जब भी आता है हमारा, देखते हैं किस तरीके डील करते हैं। अभी फिलहाल एक प्लेयर जो किलो का हंक बचा है वो किस तरीके डील करता है, 4 फर्स्ट एड है उसके पास, मशीन गन एंड ओम जो कि स्टार्ट लगातार वो यूज़ कर रहा है। टीम वैनम के प्लेयर्स की हीलिंग बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है वो, वैनम के सैजी को पड़ता हुआ ओम का फटका किलो के हंक का। एक ओपी गेम प्ले अभी किलो के हंक का 1v4 सिचुएशन है। इधर वैनम सैजी एक एलक्यू प्लेयर ऑलरेडी फिनिश ऑफ कर चुका है हंक, एंड टीम वैनम के प्लेयर्स के पास अभी एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी रिवाइव देने का मौका इधर होना चाहिए, साथ को जल्दी आना होगा। लेकिन हंक यहाँ से डिट्रेक्स फिनिश ऑफ करते हुए हंक को, टीम एम टी आती हुई विद इन ईपिक सिचुएशन, टीम वैनम के ऊपर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कैम डालेगी वो वैनम साथ। क्या यहाँ से जी नहीं, बिल्कुल नहीं बच पाएंगे वैनम के साथ। पेटी बनती हुई वैनम के साथ, सॉरी वैनम के सैजी की, साथ रिवाइव देने के लिए गए थे बट थोड़ा लेट होते हुए यहाँ से सैजी यहाँ फिनिश ऑफ होते हुए बाय जोन। हंक का वो नॉक था लेकिन हंक पहले ही फिनिश ऑफ हो चुके हैं। वैनम साथ इन्हें हंटर बचते हैं, वो जल्दी जोन में रोटेशन डालेंगे। टीम वैनम के प्लेयर्स 2 मैन स्क्वाड, टीम एमटी के प्लेयर जोन अगला चल चुका है तो जिसके चलते वो भी जोन में रोटेशन आ चुके हैं। 3 मैन स्क्वाड के साथ टीम 2 लीड एक फाइट एंगेज करती हुई उस जगह, काफ़ी टीम्स हमारी गुच्छे में टीम्स हैं यहाँ, टीम TW, टीम OP, टीम 2 लीड एंड टीम एक और हमारे जैक्सन ने होप, टीम होप भी है, होप के सेशन को डाउन किया था। TW प्रिंस OP को टीम OP के प्लेस ने डाउन किया, जोकर OP ऑलरेडी डाउन पड़ा हुआ है पीछे, टीम होप की टीम को फिनिश ऑफ कर दिया गया टीम 2 लीड द्वारा। टीम TW बचती है, निंजा OP अकेला बचता है, उसका 2 प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं। टीम OP चार्जिंग करती हुई पीछे से स्टॉर्म UB को टीम 2 लीड से फाइट होती हुई उनकी, इसके चलते टीम TW के निंजा OP रिवाइव देंगे फिलहाल निंजा OP प्रिंस OP को। देन जोकर OP कब तक यहाँ पे ब्लड आउट पड़े रहेंगे या रिवाइव हो पाएंगे। टीम MT भी आ चुकी है इस फाइट में, 4 से 5 टीम होती है। टीम सोस के प्लेयर डेमिस्टर को फिनिश ऑफ करता हुआ, एग्री ने पर्थी को फिनिश ऑफ किया था 2 मिनट के लिए। जोकर OP का किल MT के बडोस्की को मिलता हुआ। देन ASR वेजिटो ने पूरा एक डिस्ट्रॉय करके पीछे से, टीम ASR भी आ चुकी है भाई, कितनी टीम्स आएंगी एक जगह पर। टीम OP, टीम MT, टीम TW, टीम 2 लीड,
टीम सी एच बी के प्लेयर्स, टू लेट के प्लेयर्स को डाउन करते हैं। देन एक दो टीम्स यहाँ पे फिनिश ऑफ भी होती हो गई है, टीम ऑफ फिनिश ऑफ हो गई है हमारी। टीम एम टी के प्लेयर्स बहुत अच्छे ऊपर से किल्स लेते हुए, टीम एम टी के प्लेयर, टीम टू लेट का एक किल्स ले चुके हैं ऑलरेडी, एक टी डब्ल्यू का किल ले चुके हैं, टी डब्ल्यू के निंजा ओपी अकेले बचे हैं। टीम ओपी भी थोड़ा हमारी बैकवर्ड सिचुएशन में आ चुकी है, तो शार ओपी उस टीम का प्लेयर अकेला बचा हुआ है, एम टी के प्लेयर्स उसको सपोर्ट करते हुए, स्प्रे डाउन होता हुआ उसके ऊपर अभी फिलहाल बचा रहेगा वो पीछे से, लेकिन दोनों तरफ से स्प्रे पड़ेगा। टी डब्ल्यू निंजा ओपी लेके जाएगा वो किल विद अ ग्रेनेड किल, थ्री किल्स होते हुए उसके। काकरो था जे आर को सपोर्ट करता हुआ टी डब्ल्यू निंजा ओपी, 16 प्लेयर है। वैनम के हंटर को डाउन करेगा सोर्स का डोरू, एंड एग्री फिनिश ऑफ करेगा हंटर को टीम वैनम के प्लेयर, साथ अकेला बचता है। टीम सोर्स से फाइटिंग जो हुए 1v3 सिचुएशन में है टीम वैनम का साथ, टीम सोर्स के। एम टी का बटोस्की इधर फिनिश ऑफ होता हुआ विदाउट एनी रिवाइव दिए हुए, यहाँ पर रिवाइव नहीं हो पाए और इन्हें जिम्फर को फिलहाल रिवाइव दिया गया। टी डब्ल्यू के निंजा जो सोलो थे स्वांकी पोंग उसको यूजी विद एन यूजी से फिनिश ऑफ करता हुआ पीछे से टीम सी एच बी डाउन करेगी, वेजिटो उसको डाउन करेगा, वन डेवन डेवन अपना पूरा स्प्रे डाउन करके इधर फिनिश ऑफ भी करता हुआ, जैक्सन को डाउन कर दिया एम टी के और इन्हें जिम्फन ने कक होता जे आर अब अकेला बचता हुआ है। सैंडविच सिचुएशन बहुत ज्यादा टीम्स के साथ हुई है, वेजिटो इधर टीम एरर के एम्परर से फाइट लेता हुआ, टीम एरर आ चुकी है टीम सी एच बी के पास, वेजिटो ने एम्परर को डाउन कर दिया है, थोड़ा चार्जिंग करती हुई दिख रही है हमें टीम सी एच बी, बिल्कुल एक नोक के साथ चार्जिंग करती हुई पूरा टीम वैनम का साथ, जो सोलो प्लेयर था टीम सोर्स के चुंगल से हट के आया है उधर से वैनम साथ, देन वैनम के साथ के ऊपर पड़ता हुआ स्प्रेड वहां से निकलेगा तो सी एच बी में फंसेगा विद अ व्हीकल, यहाँ पे किल मिलेगा थोकेमोन को भी मिलता हुआ उनका पहला किल। टीम सी एच बी जो चार्जिंग कर रही थी एरर के ऊपर वो चार्जिंग अब फिलहाल रुकता हुआ क्योंकि रिवाइव हो जाएगा। टीम टू लेट के प्लेयर्स डुओ मैन स्क्वाड जोन में जरूर करेंगे ट्राई करने का, लेकिन ओरियन एंजिफर जैक्सन को डाउन करता हुआ करता था जे आर एक बचता है, क्या उसे डिट्रक्स या ओरियन एंजिफर देख पाएंगे कि नहीं, डिट्रक्स अभी जोन के लिए जा रहे हैं ओरियन एंजिफर भी पीछे से, अभी क्या करो था जे आर आ रहा है उनके थोड़ा स्कैम हो सकता है, फर्स्ट एड पॉपिंग करेगा बिल्कुल यहाँ पे एम टी डिट्रक्स सी एच बी नमन को डाउन करता हुआ उधर एक फाइटिंग है जो डिट्रक्स ऑलरेडी डाउन हो चुका है, एंजिफर अकेला बचा है जोन का डैमेज लगातार वो भी ले रहा है, सी एच बी की टीम पूछे होगी अपूर वो भी उधर करेगा उसको फिनिश ऑफ, टीम सी एच बी का अपूर वो भी ये दोनों किल्स उठाता हुआ अपने नाम का करो तो जे आर का किल भी टीम सी एच बी का प्लेयर्स उठाते हुए, 6 किल्स होते हुए उनके टीम सी एच बी के 6 किल्स हो चुके हैं। टीम सोर्स के पास 8 किल्स ऑलरेडी हैं, टीम आर के पास 10 किल्स ऑलरेडी हैं, 3 किल्स हैं टीम फोनिक्स के पास, 14 प्लेयर्स हमारे बचते हैं, देखते ही देखते टीम सोर्स आउट ऑफ द जोन है। टीम फोनिक्स के पास एक अच्छा जोन, एक हाई रिच कवर भी, एक हाई रिच एडवांटेज भी लेके बैठी हुई है टीम फोनिक्स। देन टीम सी एच बी के कुछ प्लेयर्स जोन के अंदर, कुछ प्लेयर्स थोड़े जोन के बाहर है, टीम एरस के प्लेयर्स भी आउट ऑफ द जोन है, उनको भी बाई स्मोक्स अगर उनके पास व्हीकल नहीं है तो जाना होगा। फोनिक्स के होली एग्री को डाउन, फोनिक्स का होला डाउन करते हुए एग्री को विद एन एस के एस, देन विद 6x चलाते हुए एग्री के पास क्या है रिवाइव का मौका मिलेगा एग्री को रिवाइव करने का, लेट्स सी। इधर अजीत के पास है ए डब्ल्यू एम एंड डोरू, इधर हिल फर्स्ट एड पॉपिंग कर चुके हैं उसके बाद रिवाइव देने की कोशिश करेंगे, तो केमोन एरर के टॉक्सिस को 98 का शॉट दे चुके हैं इधर आते हुए, डोरू रिवाइव देने के लिए आते हुए तो केमोन ने 98 का फटका दिया टीम एरर के एम्परर को, उसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं करेगी आउट ऑफ द जोन है क्योंकि टीम एरर जोन हमारा क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फोनिक्स का ओला वेजिटो को डाउन करता हुआ इस केस से, वेजिटो को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करता हुआ फोनिक्स का ओला, जी हाँ जितना भी हाई रिज एडवांटेज लिया है बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ टीम फोनिक्स के प्लेयर्स के साथ, हो के मोन को सपोर्ट किया था फोनिक्स होला ने, एक स्मोक भी कर रहा है जो लेफ्ट से उधर से टीम सोर्स उन्हें डैमेज ना दे। टीम सोर्स के पास अगर व्हीकल्स, जी हाँ बिल्कुल व्हीकल है, एग्री एंड और जाते हुए कवर बनाना जरूर चाहेंगे आगे जाकर जोन में। टीम फोनिक्स यहाँ पे एक बिजी फाइट अगर हो जाए फाइटों से बिजी तो टीम सोर्स के पास एक अच्छा मौका होगा इधर रोटेशन डालेगा। फिलहाल डोरू एंड एग्री आ चुके हैं विद अ बस और ये जोन के अंदर ही मानूंगा मैं, इधर डोरू थोड़ा लो हुए थे, इधर स्काई वॉकर आ चुके हैं डोरू के ऊपर पूरा पुशिंग कर चुके हैं, एग्री से फाइट होते हुए इधर डोन कर डाउन करते हुए एग्री को वो एंड डोरू होंगे प्ले जोन से डाउन और ऑलरेडी टीम फोनिक्स इधर फिनिश ऑफ करती हुई एक टीम सोर्स की टीम्स को। टीम सोर्स जो कि मेरा मर की खास देखनी आती थी अभी भी उनका एक अच्छा गेम प्ले रहा, काफ़ी किल्स लेके गई टॉप 4 में आती हुई। टीम एरर की टीम जो इस यहाँ पर निकली थी जोन के लिए बाई स्मोक्स, दो प्लेयर्स ऑफ गार्ड पकड़े जा चुके हैं एम्पर एंड टॉक्सिस, वो भी बाई स्मोक्स ही अपने कर रहे हैं यहाँ पर सर्वाइव। एरर के एम्पर 1 HP बचते हैं, एक स्प्रे में उन्हें भी एक दो गोली पड़ेगी एंड नॉकआउट होंगे। स्काई वॉकर को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, इधर नहीं बच पाएंगे वो, जहर ओपी अपनी हील करेंगे पीछे जाके होला बचेंगे। 2-2-3
जी हाँ, एपोर वो भी रिवाइव हो चुके हैं, 2v2v3 होता हुआ। टीम सी एच बी के प्लेयर्स के पास जोन है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज है उनके पास, अच्छा एडवांटेज। इसके ऊपर वाले कवर में कोई टीम आ नहीं सकती, तो यहाँ से टीम फोन एक्स के पास भी अभी जोन है, तो यहाँ पे ये भी एक टीम आर आर के प्लेयर्स के पास दो प्लेयर्स हैं और जोन नहीं है उनके पास। टीम फोन एक्स के प्लेयर जरूर उनका किल यहाँ पर लेना चाहेंगे। टीम फोन एक्स के होला टॉक्सिस के सामने उधर एक जी हाँ, वहाँ से स्पोर्ट अगर हुए होला तो वो टॉक्सिस उन्हें जरूर नॉकआउट देंगे। एम फोर चला रहे हैं, लेवल थ्री के हेलमेट उनका पूरा डाउन है। एम्परर पूरा ओपन में आता हुआ है, पूर्व पी को डाउन करता हुआ, नमन डाउन करता हुआ एम्परर को। टीम सी एच बी का एक प्लेयर डाउन किया है, होला का स्प्रे आता हुआ टॉक्सिस के ऊपर। टॉक्सिस काफ़ी लो बच्चे हैं, अपने आप को फर्स्ट एड ओपन करते हुए। टीम सी एच बी के किल्स होते हुए किल 8, टीम आर आर के किल्स होते हुए 10, टीम फोन एक्स के किल होते हुए 7। वैसे हो गया था चिकन डिनर इन द मिरामार मैप, डिफिकल्ट मैप एंड डिफिकल्ट वे में आता हुआ हमारा एरर का। टॉक्सिस आउट ऑफ द जोन है, जोन के लिए आएगा, होला को नोक करने का ट्राई किया था उसने, बट होला एसकेएस से किल लेता हुआ उसका। देन वो अपने आप को हील करेगा कि जी हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। जहर ओपी यहाँ पे 2v3 फाइट अब बचती है उनकी। जहर ओपी ने एक स्प्रे डाउन किया था टीम सी एच बी के ऊपर, दोनों ही टीम्स जोन के अंदर हैं। जहर ओपी का एक रैंडम मोली यहाँ पे मोलीज जाती हुई, ये मोलीज अगर वहाँ पे नोक निकाल दें तो टीम फोनिक्स का काम हो जाएगा। जहाँ रैंडम मोली जाती हूँ उधर से भी नेट्स ग्रेनेड्स आते हुए, लेट्स सी यहाँ पे अब जिसके ऊपर जोन जाता है वो टीम वहाँ पे नंबर एडवांटेज, तो सी एच बी के ऊपर जाता है। लेकिन जोन एडवांटेज देखते हैं किसके ऊपर जाता है अब हमारा। जी हाँ बिल्कुल, ये जोन एडवांटेज दोनों ही टीम्स के ऊपर नहीं है। टीम फोनेक्स के जहर ओपी नीचे की ओर जंप कर कर एक जी हाँ एक ग्रास के सहारे अभी सर्वाइव करने वाले हैं। एक स्प्रे ज़रूर आ सकता है इस ग्रास में, लेकिन जहर ओपी को पहले एक नोक निकालना होगा उसके चलते, क्योंकि वो जोन के अंदर भी हैं। टीम्स फोनिक्स के जहर ओपी इधर नोक निकाल सकते हैं इजी वे में, लेट्स सी वो कब तक ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे अपना स्पोर्ट दे दिया तो वो नोक होंगे सीधा, अगर नोक नहीं निकाला तो यहाँ पे आप खुद नोक होंगे। लेट्स सी बिल्कुल निकालेंगे वो फोनिक्स के जहर ओपी, AKM से नोक, CHB नमन का चार्जिंग करती हुई दिखेगी टीम फोनिक्स। 2v2 फाइट में रही है क्योंकि 2v3 फाइट थी जो 2v2 में तब्दील हो चुकी है। नमन डाउन है, होला जाता हुआ उसको पूरा पुशिंग करता हुआ, नमन 2v2 फाइट। अपूर्व भी एंड थोकमैन उनको डाउन किया गया, होला जरूर डाउन हुए थे। अपूर्व भी प्ले जोन से फिनिश ऑफ हो चुके हैं। देन टीम फोनिक्स विनर चिकन डिनर विद 11 किल्स डुओ डिस्ट्रक्शन दिखता हुआ होला एंड जेरो पी की ओर से 7 और 4 किल्स दोनों ही प्लेयर्स के। टीम सीएचबी सेकंड पोजीशन होल्ड करी है, 3 एडवांटेज था लास्ट में, लेकिन एक नोक वहां पर जेरो पी का बहुत अच्छा क्रुशियल काम किया है। 8 किल्स हुए हैं उनके भी। थर्ड पोजीशन पर टीम आर आर आते हुए 10 किल्स के साथ, फोर्थ पोजीशन टीम सोस, यहाँ पर टीम सोस इज इक्वल टू मिरामार बोलते, बहुत ही अच्छा गेम प्ले 8 किल्स के साथ। एंड टीम आर आर ने भी बहुत अच्छे किल्स उठाए हैं हमारे। टीम टूलिट आती हुई फिफ्थ पोजीशन, ओपी गेम प्ले बाय टीम टूलिट, 7 किल्स लिए हैं उसने भी। टीम एमटी का भी बहुत अच्छा गेम प्ले रहा आज, 9 किल्स विद 3 मैन स्क्वाड। टीम वैनम के प्लेयर्स ने 2 किल्स लिए, जोन स्कैम टीम वैनम के साथ बना रहा। देन इधर से बाकी हमारे प्लेयर्स टीम्स के स्टैट्स